हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और आपका स्वागत है इंजीनियरिंग फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक है वो पिछला जो मैंने वीडियो है उसका ही जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो टॉपिक बच गया था बहुत इंपॉर्टेंट था वो, और वो था फ्रिंज विड्थ एंड नेचर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इन द वेज शेप थिन फिल्म। तो लास्ट हमने टॉपिक किया था इंटरफेरेंस बाई थिन फिल्म विद नॉन पैरेलल reflecting surfaces, that is wedge shape. Wedge shape means that is the film of varying thickness. Understand? और हमने जो था वो condition of bright and dark fringe हमने calculate की थी बच्चों, bright and dark. Understand? और ये total path difference हमने calculate किया था, that is 2 mu t cos r plus alpha plus minus lambda by 2, जो कि in जो कि वी आर वन और डी आर टू के बीच में था, वी आर वन एंड डी आर टू के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न एंड द फ्रिंज विड्थ, क्योंकि फ्रिंज विड्थ पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे और मतलब इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए फ्रिंज विड्थ मैंने ये अलग सा आपके लिए एक लेक्चर बनाया है इसके लिए। सो नेचर ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा बच्चों, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्स्टेंट थिकनेस ऑफ फिल्म इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एज ऑफ द फिल्म, द फ्रिंज आर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एज। यदि हमारे पास ये आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट आई आर म्यू इज कॉन्स्टेंट, अल्फा इज कॉन्स्टेंट, तो हमारे पास इस तरह का ये टी वन टी टू टी थ्री अलग अलग थिकनेस के ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आपको बच्चों मिलेंगे, ठीक है। और सेंटर पे जो है वो टी इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे जो है वो डार्क, क्योंकि जो यहाँ पे यदि इस वाली वैल्यू में यदि हम इसको इक्वेशन वन बोलें, तो इक्वेशन वन में यदि हम पुट करें तो जो पाथ एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो टी इज इक्वल टू जीरो के लिए जो मैक्स जो क्या होगा बच्चे, कौन सी कंडीशन होगी, लैम्डा इज प्लस माइनस लैम्डा बाई टू, तो ये है डार्क फ्रिंज की, ठीक है बच्चों। तो ये इसका मतलब कि यहां पे क्या होगा, डार्क फ्रिंज की कंडीशन होगी, फिर देन अल्टरनेट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क जो है वो क्या होगी कंडीशन जो है वो आपको मतलब सेटिस्फाई होंगी, और आपको यहां से डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट जो है वो फ्रिंजेस यहां पे आपको बच्चों मिलेंगे, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज की हम बात करें, पोजिशन यदि हम बात करें ब्राइट फ्रिंज की, तो कहां कहां पे मिलेगी जरा यहां पे देखिए, दैट इज टू म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, एंड एन इज वन टू थ्री एंड फोर। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए थिकनेस सॉरी दैट इज द टी इज टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू टू म्यू कॉस आर प्लस अल्फा, तो मैक्सिमम कहाँ कहाँ है, एन वन, तो यहाँ पे एन वन है, तो मैक्सिमा की कंडीशन किस किस थिकनेस पे होगी, फर्स्ट मैक्सिमा जो होगा दैट विल बी टू एन, एन इज इक्वल टू वन, तो ये हमारे पास लैम्डा बाई टू टू म्यू कॉस आर प्लस अल्फा। सेकेंड मैक्सिमा जो होगा मतलब मीन्स की थिकनेस के लिए एन इज इक्वल टू टू, तो दैट इज थ्री लैम्डा बाई टू टू म्यू कॉस आर प्लस अल्फा, ठीक। इस तरह से ये ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिलती रहेंगी थिकनेस पे, इस इन पर्टिकुलर कंडीशन पे, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एंड देन द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इसी तरह से डार्क के लिए हम काम कर रहे हैं, तो डार्क के लिए टू म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू टू एन लैम्डा बाई टू, तो यहां से के कौन कौन सी थिकनेस में, टू एन लैम्डा बाई टू टू म्यू कॉस आर प्लस अल्फा, तो कौन कौन सी कंडीशन यहां पे, एन इज इक्वल टू जीरो, तो एन इज इक्वल टू जीरो के लिए फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगी दैट इज टी इज इक्वल टू जीरो, सेकंड वन के लिए एन कितना होगा वन, तो ये टू दैट इज लैम्डा अपॉन टू म्यू कॉस आर प्लस अल्फा, नेक्स्ट एन इज इक्वल टू के लिए फोर टू लैम्डा अपॉन टू म्यू कॉस आर प्लस अल्फा। तो इस तरह से ये जो कि वो डार्क फ्रिंजेस के
कंडीशन एट पर्टिकुलर थिकनेस पे है, दैट इज फर्स्ट डार्क फिंच, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. इस तरह से ये आपके पास पैरेलल फिल्म ब्राइट और डार्क की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, और इस तरह से आपको ब्राइट डार्क जो है वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, और आपको ब्राइट एंड डार्क फिंच की फ्रिंजेस आपको दिखेगी बच्चों. ठीक है, नाउ हम बात करते हैं फ्रिंज विड्थ की. तो फ्रिंज विड्थ के लिए हम बात करें तो यहां से हम बात नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रिंज विड्थ. इट इज द विड्थ बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टू सक्सेसिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज. दो ब्राइट दो डार्क के बीच का कॉन्जिक्यूटिव बोले या सक्सेसिव ब्राइट, फिर उनके बीच का जो विड्थ है दैट इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ. तो यहां से हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास ब्राइट की बात करें, सपोज करो तो ब्राइट की कंडीशन 2μt cos r plus alpha is equal to 2n minus 1 lambda by 2. Now, suppose that is the for the h, ये हमारे पास xn है और ये t, that is the t1, ये इसको t बोलो, t is thickness है. यहां पे जो ब्राइट फ्रिंज है एट पोजिशन xn, दिस इज अल्फा. ठीक है बच्चों, तो यहां से t क्या होगा, t इज बेसिकली एक्स एन, ये nth रिंग है, tan अल्फा. तो यहां पे इसको जो है वो रिप्लेस कर देंगे 2μ xn tan अल्फा cos r plus अल्फा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा by 2, दैट इज इक्वेशन 2, यानी है ये इक्वेशन 1. ठीक है बच्चों, तो xn इज फर्स्ट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज फ्रॉम द एज, ब्राइट फ्रिंज सॉरी दैट इज द ब्राइट फ्रिंज. अब सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव में एन को हम रिप्लेस कर रहे एन प्लस वन से, तो एक्स क्या एक्स एन क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस वन. ठीक है बच्चों, तो यहां से हम 2μ xn + 1 tan अल्फा cos r plus अल्फा इज इक्वल टू 2n कितना हो गया, n प्लस 1 माइनस 1 लैम्डा बाय 2. ठीक है, तो यहां से 2μ xn + 1 tan अल्फा cos r plus अल्फा, ये हमारे पास है 2n प्लस 2 माइनस 1 लैम्डा बाय 2, तो ये हो जाएगा प्लस 1. तो ये हो गया इक्वेशन 3. अब टोटल जो फ्रिंज विड्थ होगी बच्चों वो कितनी होगी, डेट इज बीटा इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, एक्स एन प्लस वन डेट इज एक्स एन प्लस वन नेक्स्ट वाली. ठीक है बच्चों, तो दो कॉन्सेक्यूटिव के बीच की विड्थ है बीटा, अंडरस्टैंड. तो यहां से एक्स एन प्लस वन हम करेंगे तो माइनस कर दो 2μ xn + 1 tan alpha cos r plus alpha is equal to 2n + 1 lambda by 2, और ये माइनस 2μ xn tan alpha cos r plus alpha, और यहां से माइनस 2n - 1 लैम्डा, दोनों तरफ जो वो माइनस कर दिया बच्चों. ठीक है, ये एक है बच्चों, ये इस तरह से लेफ्ट एंड राइट साइड. तो इसी तरह से जो फ्रिंज विड्थ होगी यहां से कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों, 2μ xn + 1 tan अल्फा cos r plus अल्फा माइनस
माइनस टू म्यू एक्स एन टेन अल्फा कॉस आर प्लस अल्फा इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो यहां से एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू म्यू टेन अल्फा कॉस आर प्लस अल्फा। ये हमारे पास हो गए फ्रिंज बेड्स बच्चों, टेन अल्फा कॉस आर प्लस अल्फा। तो इसी तरह से ये बीटा इज इक्वल टू, यदि अल्फा बहुत स्मॉल है, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एंड कॉस और एट नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट में आर इज जीरो, तो हमारे पास टोटल बीटा कितना होगा बच्चों, लैम्डा टू म्यू अल्फा कॉस जीरो दैट इज वन। टोटल जो फ्रिंज बिर्थ एट आएगी एट नॉर्मल इंसिडेंट वो हमें यहां पे मिल जाएगी। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आता है, नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो आप बच्चों ये रखना है, यदि नॉर्मल इंसिडेंट नहीं होगा तो टू म्यू अल्फा कॉस आर प्लस अल्फा आपको लिखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये फ्रिंज विड्थ का न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और उसके आपके प्रैक्टिकल्स में भी है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन रिंग मीन्स एप्लीकेशन ऑफ बैच शेप थिन फिल्म पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस इन बैच शेप थिन फिल्म। थैंक यू वेरी मच।